अरे भाई बहुत बुरी खबर आ गया भाई, क्योंकि अगर आपका चैनल 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा पूरा नहीं कर पाता एक साल में, एक साल एक दिन भी होता है ना, तो आपका जो है कि पूरा वॉच टाइम माइनस कर दिया जाएगा, जीरो। मतलब 1000 सब्सक्राइबर जो है ना, अगर मान लीजिए 990 सब्सक्राइबर हो गया है 365 दिन में, और 366वां दिन जैसे ही आएगा ना तो जीरो हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मतलब 43,000 सब्सक्राइबर वाला एक चैनल बोल रहा है, ठीक है। मैं आपको पहले वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, सुनिए, उसके बाद में आगे आपको रिएक्शन देता हूँ। इस पर क्या है, क्या इसका माजरा है, क्या सिस्टम है, सारा कुछ मैं समझाऊंगा, पहले इनका सुनिए। आप लीजिए ध्यान से सुनिए। ये सवाल चलता है कि क्या अगर हम एक साल के अंदर अपने चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम और यहाँ पे सब्सक्राइबर 1000 नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं? वाह भाई वाह, ये तो सही है, इतना समझ में आया, ठीक है, होगा कि नहीं होगा इसके बारे में देखिए सर आगे क्या बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत लोगों के मन में होता है, तो मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ये रूल जो है ये रूल कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अगर एक साल के अंदर आपके चैनल पे 4000 घंटे और 1000 का सब्सक्राइबर नहीं पूरा होता है तो आपका चैनल का जो है वॉच टाइम जो है वो 0-0 हो जाएगा और सब्सक्राइबर भी आपके जो है मायने नहीं रखे जाएंगे। ये कौन बोल रहा है आप लोग समझते हैं, 43,000 सब्सक्राइबर, 43,300, ठीक है, और इनका 25,00,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल ऑलरेडी डिलीट हुआ हुआ, मतलब कि इतना मंजा हुआ खिलाड़ी, पहुंचा हुआ फकीर जिसको बोलते हैं ना, वही है ये, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं इनके, मतलब इस वीडियो में व्यूज देखिए 21,000 व्यूज आ गया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं ना बिल्कुल गलत है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि 365 दिन में अगर आपका 4000 घंटा पूरा नहीं हो पाया, 1000 पूरा नहीं हो पाया सब्सक्राइबर, तो अगला 66वां दिन जो होता है ना, 366 दिन जब आएगा आपका, तो उस दिन आपका चैनल का जो है पूरा जीरो कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत, मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे इसको काउंट किया जाता है, सही से तरीका इसका काउंट करने का क्या है। आखिर में देखिए, जब आप स्टार्ट कर, आपका चैनल चाहे नया हो चाहे पुराना, उससे इसमें कोई मतलब नहीं है, ओके। आप जब चैनल स्टार्ट कर दिए वीडियो डालना, अपलोड करना वीडियो अपने चैनल पर, तो उस दिन से उसका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका 365 दिन पूरता है ना, तो उस दिन का यूट्यूब लेता है बस लास्ट 365 दिन। कहने का मतलब मेरा ये है कि आज अगर 23 तारीख है, 23 फरवरी 2022, ठीक है, तो 23 फरवरी 2023 तक का यूट्यूब इसको काउंट करेगा इसमें कि भैया आपका इसमें 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है कि नहीं। अगर आपका पूरा होता है तो इस बीच आपका चैनल को जो है कि मोनेटाइज कर दिया जाता है। मगर उसी चीज़ में क्या होता है कि जैसे 23 फरवरी आज है, मैं 24 फरवरी को करता हूँ अपलोड वीडियो, ठीक है, 24 फरवरी 2022 से, तो यही चीज़ को 24 फरवरी 2023 को देखा जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि एक एक दिन पीछे का कम किया जाता है और एक एक दिन आगे का जोड़ा जाता है, बस इसमें कोई माइनस नहीं होता मेरे भाई। ये मैं सोचा कि 365 दिन हम काम कर लिए भाई, नहीं हो पाया तो 366वां दिन हम काम करने जाएंगे तो हमारा पूरा जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो पहला दिन का आपका मेहनत होगा ना, उसमें जो भी आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर आया होगा वो आपका सिर्फ जीरो होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो इनको साहब जी को जाके बताइए, ये साहब हो सकता है गड़बड़ी से मुँह से निकल गया, होता है ना, एक केटर दूसरे केटर का सम्मान करना ही चाहिए, हम भी करते हैं, ठीक है, ये होता है कि भाई मुँह से हड़बड़ी में गलती से निकल जाता है। मगर इनको चाहिए यहाँ पर कि अगर गलती से हमारा निकल गया है, हमारा एक बड़ा चैनल है, जिम्मेदार चैनल है भाई, क्योंकि बड़ा चैनल लोग देखने आ रहे हैं, तो अपने वीडियो कम से कम रिमूव कर दें यहाँ से, नहीं तो इसको जाकर के एडिट कटिंग करके वहाँ पर हटा दें उस पार्ट्स को, क्योंकि इसको लोग देख रहे हैं। 21,000 व्यूज में आ गया, मतलब 21,000 लोग तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुँच गया, वो भाई डीमोटिवेट हो जाएंगे ना यार, सुनेंगे जैसे ही कि भाई 1000 एक साल में हमारा 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा नहीं पूरा हुआ, भैया अब आगे कुछ नहीं हो पाया, हटाओ, वहाँ पर बंद कर दें, वो मतलब 9 महीना 10 महीना काम करके बंद कर देंगे, बोलेंगे जब 10 महीना नहीं हो पाया 2 महीना और क्या होगा, कोई मतलब नहीं 2 महीना और काम करने से, हटा दो यहाँ पर। ये चीज़ दोस्तों गड़बड़ी, ये मतलब गलत न्यूज़ फैलाया जा रहा है, ठीक है, तो इसको सही करना चाहिए। नित्या जी से मैं मतलब आग्रह करूँगा, यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने से यही कर सकता मैं, बाकी आगे कुछ नहीं कर सकता, कि इस वीडियो को चाहे तो रिमूव करें आप, चाहे तो इसमें एडिटिंग कटिंग जो भी करके इस पार्ट्स को हटाएं वहाँ। तो दोस्तों वीडियो ये कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक मारिए, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।